का पुलिस ने खुलासा कर दो बाल मजदूरों को अपनी गिरफ्त में लिया है। बीते बुधवार रात नगर निगम के निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में हुई विजय रावत की हत्या के आरोपियों को मोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिस्त्री विजय रावत द्वारा समय पर मजदूरी न दिए जाने एवं उसके प्रताड़ना से तंग आकर दोनों आरोपियों ने आधी रात को सरिया मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए टीआई नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मृतक विजय रावत निवासी ग्राम कोचिला सीधी रानी सिंह गौड़ एवं दो अन्य नाबालिगों के साथ रखकर मोरवा में निजी ठेकेदार के नीचे ठेका मजदूरी का काम करता था। मिस्त्री विजय रावत से दोनों नाबालिग अपनी मजदूरी का भुगतान चाह रहे थे, जिन्हें वह कई दिनों से टाल रहा था। घटना की रात पैसों को लेकर मृतक विजय ने दोनों को काफी खरी खोटी सुनाई, जिससे गुस्साए दोनों ने बुधवार रात करीब 2 बजे गहरी नींद में सोते विजय रावत को सरिया मारकर मौत के घाट उतार दिया। एसपी अभिजीत रंजन व एएसपी प्रदीप शेंडे के निर्देशन में टीआई नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और प्रत्यक्षदर्शी रानी सिंह के निशानदेही एवं मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार शाम चटका के पास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध धारा 302-34 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। इस कार्यवाही में एएसआई साहब लाल सिंह, प्रधान आरक्षक अमर सिंह, अशोक सिंह, अजीत सिंह, राजवर्धन सिंह, आरक्षक नरेंद्र यादव, भूपेंद्र सिंह एवं सुनील मिश्रा शामिल रहे। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।